हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो यहाँ पे देखो, मैं फिर से आया हूँ धागा काइट सेंटर में। और यहाँ पे देखो, मुझे कुछ सद्दी अद्दी चाहिए थी। और यहाँ पे देखो, पतंगे तंगे भी लेनी है। तो पतंगे तो ये रही सामने, आपको दिख रही होगी काफ़ी पतंगे। देखो लाइन से पतंगे ही पतंगे रखी है नीचे तक। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मुट्टेदार भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन पतंगे तंगे बाद में दिखाऊंगा। ऊपर भी देखो पतंगे रखी हैं। हमें लेनी है सद्दी, तो सद्दी आपको दिख रही होगी, इतनी सारी सद्दी है। तो कुछ रेट वेट बता दो इसके जल्दी जल्दी, क्या क्या रेट किए? 90 रुपये 90 की है, 45 की हाई फ्लायर, उसके बाद ये 35 रुपये। सब बच्चों की मतलब की दिखा रहे हैं। और एक ये 3 का 80 की, और जो विक्टर है ये आपकी लोकल वाली, ये 130 रुपये 130। और इधर आ जाओ, ये कितने वाली? जियो की, जियो वाला। हाँ, तो जियो वाला 250 का पड़ेगा। और एक विक्टर ये रहा 500 ग्राम का, ये कितने का पड़ेगा? 260 का। और रंगीन वाला विक्टर? रंगीन वाला वो है आपका, एक रंगीन वाला विक्टर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये आपको 150 का मिल जाएगा। तो हम एक सद्दी अद्दी लेते हैं, इधर भरवाते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सी लेंगे कौन सी नहीं। तो अभी मैं चूज कर लेता हूँ कि कौन से मेरे मतलब की है, और फिर आपको दिखाता हूँ। ऊपर भी देखो कलर लगे, एक ये सतरंगी रही, ये कितने वाली है? सतरंगा ये पढ़ लिया है आपका, तो ये आपको 250 की मिल जाएगी। और भी ऊपर देखो पूरी लगी है लाइन से हाई फ्लायर। और एक ये येलो कलर की, ये भी 250 का आपको पड़ेगा। तो दिखाते हैं आपको कौन सी सद्दी भरवाएंगे, अभी आप देखते रहना वीडियो का एंड तक। फिर पतंगे तंगे भी लेनी है, पतंगे भी दिखाएंगे। तो पहले सद्दी भरवाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं सबसे पहले मंजूली पतंग की तरफ। मंजूली पतंग में आपको सबसे पहले कौन सी दिखा रहे हैं? ये वाली देखो यार, ये आप क्या कहेंगे इस डिज़ाइन को? मेरे ख्याल से इसे आप कहेंगे तीर वाला डिज़ाइन। तो तीर वाली पतंग रही भाई मंजूली में, ये आपको पड़ेंगी सब 400-400 रुपये में पतंगे, और सैकड़ा 380 का पड़ जाएगा। उसके बाद एक पूरी ब्लू में आ जाएगी, और यहाँ पे स्काई ब्लू। ये पतंग की क्वालिटी देखो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इसमें की पतंगें मैं कुछ लेके जाऊँगा, एक बार पतंग की क्वालिटी दिखा दूँ भाई। ये अच्छी लग रही है मुझे काफ़ी, इसे लूँगा मैं। यहाँ पे एक फुली ब्लैक भी है। तो ये सारी मंजूली पतंगें दिखा रहा हूँ मैं आपको, सबका रेट वही है 400-400 रुपये। यहाँ पे एक बार फिर से तीर कमान वाली पतंग आ जाएगी, तीर वाली पतंग काफ़ी है। और कुछ पतंगें मैंने ली है यहाँ से, मैं आपको दिखा दूँ। छाट ली है ये, इसे इधर रखो, अब दिखाओ। तो यहाँ पे देखो पट्टेदार ले ली है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, एकदम हल्की फुल्की पतंग है। जैसी मैं उड़ाना पसंद करता हूँ ना, मैं एकदम मीडियम पतंग उड़ाता हूँ। तो उसमें की कुछ पतंगें अभी दो चौकी निकलवाएं, अभी और भी निकलवाएंगे, फिर आपको वो भी दिखाएंगे। ऊपर ही पतंगें भरी रखी, अब आपको बढ़ते हैं अद्दी की तरफ। यहाँ पे देखो अद्दी पतंगे आपको दिखाते हैं, अभी आपको मंजूली दिखाई दी। अच्छा, कुछ छोटी पतंगे भी हैं मंजूली से भी छोटी। ये कितनी वाली डोंगे? 240। ये 240 के आपको पड़ जाएगा 250 रुपये का। यहाँ पे डिजाइन देखो बच्चों के मतलब के, तो ज़्यादा कुछ मैं इसमें दिखा नहीं रहा हूँ, ये सब वही है। इन्हें डोंगे कहते हैं, देखो पुच्छल वाले डोंगे। अब आते हैं अद्दी की तरफ। अद्दी सबसे पहली पतंग है मुट्टेदार, क्या रेट की पड़ रही है? 5 रुपये। इसके पीछे वाला कलर दिखाओ, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बच्चे है ना कलर वलर मांगते हैं, तो कलर देख लो यहाँ पे आप, ग्रीन कलर। ये भी आपको 5 की पड़ जाएगी। अच्छा, ये तो वैसी हो गई आपको चालू पतंग में। फैंसी भी मिल जाएगी ना, फैंसी मिल जाएगी। फैंसी दबी रखी, निकाल नहीं रहे, हैल रखी भी फैंसी। तो ये फैंसी है। हाँ। तो यहाँ पे देखो फैंसी भी आपको दिखा दी, ये छिले हुए कमान ठड्डू की। कितने की पड़ रही चील कट? कितने की पड़ रही? 8 रुपये। ये आपको 8 की पड़ जाएगी। देखो चील कट तेज हवा के मतलब की होती, तेज हवा में उड़ाने की, ज़्यादा लोगे और ज़्यादा क्वान्टिटी में लोगे तो देखो हर चीज़ में रेट कम हो जाएंगे अगर ज़्यादा माल लोगे आप। तो इसे भी रखते हैं अलग, अब आपको दिखाते हैं इसके बाद छिली भी अद्दी एक और पूरा चौकोर फर्मा, ये भी 8 रुपये। हाँ। ये भी 8 रुपये की पड़ ली, देखो एकदम पटेदार है, बढ़िया पतंग। और दिखाते जाओ इसमें डिजाइन है, एक ब्लैक में आ जाएगी, ब्लैक और आपके ब्लू में। अब यहाँ पे आती है पौनी पतंग। तो पौनी पतंग के भाई पहले तो मैं आपको रेट बता दे रहा हूँ, सिर्फ 13 रुपये में आपको ये मिल जाएंगी। सही पतंग है, लड़ा सकते हो आप छोटी मोटी रेंज में, 200-300 तक आराम से लड़ जाएंगी अच्छी। उसके बाद यहाँ पे एक पतंग ये देखो यार, इसकी फिनिशिंग देखो, जो फिनिशिंग वाली पतंग होती है ना उनको आप सबसे पहले लिया करो, क्योंकि जो पतंग में फिनिशिंग होगी पतंग काम भी अच्छा करेगी। यहाँ पे एक चांद वाली पतंग है, और ये इस्लाम काइट सेंटर, ये बागरंज वाले। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये इस्लाम काइट सेंटर की पतंग है, ये भी आपको 13 में मिलेगी, एकदम हांडू है भाई, बढ़िया चौकोर फर्मा है, बढ़िया पतंग है, ये भी 13 रुपये में। यहाँ पे आपको चप, ये तो मुझे लगता है इनकी दुकान में रहती हर समय, जब भी मैं आता हूँ ये जरूर मिलेगी आपको। उसके बाद एक फुली ब्लैक। अच्छा एक बात है, अगर प्लेन पतंग लोगे ना तो प्लेन पतंग में आपको अलग ही फिनिशिंग मिलेगी। और यहाँ पे ये भी एक पुरानी पतंग है, ये इन्होंने पहले दिखा रखी है मुझे। तो ये तो भाई हो गई सब पौनी, अब आपको दिखाते हैं क्या दिखाएं, क्या दिखाएं माँ जो दिखाते हैं भाई आपको। अब देखो तीन डील का है ना, वो अभी दिखाते हैं। तीन डील का है ना, ये क्या नाम है इनका?
अरे क्या लिखा है ये, आसमानी तलवार करके मान जाए। और क्या रेट का पड़ेगा ये? 240 रुपये का 3 दिन आपका। ये देखो भाई इनका है, जिनकी फ़ोटो बनी है यही कारीगर है इस मांझे के। तो बच्चों के मतलब के आपको चढ़ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि कम रेट के भाई बच्चे ले पाएंगे। इसके बाद कोई और सा एक मांझा ये रहा, इसका कलर आप देख सकते हैं। और ये डोर है आपकी JPC जो डोर आती है उस डोर पे ये मांझा, ये भी 3 दिन है। कलर आप देख सकते हैं कुछ इस कलर का है। क्या रेट पड़ेगा ये? 325 रुपये। ये 325 रुपये का आपको पड़ जाएगा। उससे थोड़ा सा भाई महंगा है, क्योंकि काम वाम अच्छा करा गया होगा इस मांझे में। और डोर भी आप देख सकते हैं JPC पे आए, JPC ये डोर का नाम मैंने सुना है काफ़ी। और मांझे कुछ इधर आ जाते हैं अंदर। अब मैं थोड़ा और अंदर आ गया, देखो यहाँ पे चरखे भरी रखी हैं। सामने देखो जो पांडे मांझे की चरखे दिख रही हैं, तो पांडे मांझे की मैं आपको रेट बता दे रहा हूँ। ये आपको 150 रुपये से स्टार्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 800 रुपये तक का यहाँ पे मांझा है। और यहाँ पे अगर आप आसपास के हो तो 123 चलता है, 123 उड़ाओ, 123 रॉकेट 8057 जो आपको मिल रहा है वो उड़ाओ। पांडा तो बाहर चलता है पंजाब वंजाब में बड़ी पतंग के लिए। अच्छा यहाँ पे चरखियाँ भी देखने को मिल जाएगी। ये चरखी देखो यार कितनी बढ़िया चरखी है, इसके मैं आपको रेट बताऊँ। ये आपको 450 रुपये की पड़ जाएगी, 12 इंच की चरखी है फैंसी वाली। देखो इसमें यहाँ पे कुछ काम भी अच्छा करा गया है, देख सकते हैं आप। सबके रेट वही है 450। और एक ये रही, यहाँ पे कुछ पतंगें बनी है, तिरंगा भी पतंग बनी है, और ये ट्रांसपेरेंट है। और इसका पहिया देखो भाई कितना मोटा है, मतलब अगर चरखी गिरती भी एक दो बार हाथ से तो शायद बच जाए, फिलहाल गारंटी तो कोई ले नहीं सकता, शायद बच जाए। और यहाँ पे देखो छोटी चरखी तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी, आप छोटे बच्चे हो तो छोटी चरखी लो, इतनी महंगी चरखी की तरफ मत जाना। आपके लिए वही 50-70-100 वाली चरखी सबसे बेस्ट है। छतों में क्या यार, ये तो शौकीनों की चरखी है इतनी महंगी वाली, छतों के लिए छोटी चरखी लो। तो सद्दी यहाँ पे हमने चूज करी है विक्टर की, ये वाला भरवाएंगे। ये हमें पड़ रहा 220 रुपये का। अच्छा पहली बात ये लोकली भरवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं छतों से छतों के लिए मुझे चाहिए, तो छतों के लिए ये मैं काफ़ी रहेगा। और ओरिजिनल इस समय इनके पास है भी नहीं, थोड़ा ख़त्म हो रहा था, तो हमने सोचा चलो यार अब आएँ दुकान में तो यही वाला भरवा लेते हैं, वरना तो मैं सोच रहा था कि ओरिजिनली भरवाऊँ, लेकिन चलो कोई नहीं। विक्टर का 400 ग्राम का ये हमें पड़ रहा 220 रुपये का, लोकल है लेकिन छतों के लिए सही है, मैदान के लिए बात होती तो ओरिजिनली भरवाते हम। तो चरखी चल दी है हमारी भरने। ये देखो यार काफ़ी मोटी डोर है, मुझे लग रहा यार झोल बहुत खाएगी अब क्या डोर, देखो कितनी जल्दी ख़त्म हो रही है। काफ़ी मोटी डोर भरवा ली है मैंने, इससे पहले मैं जितनी भी यूज करता था ना सब मीडियम डोर ही यूज करता था विक्टर की। ओरिजिनल देखो विक्टर में ओरिजिनल आपको मिल जाएगी मीडियम, वो सबसे बेस्ट होती है खिंचाई के लिए भी फास्ट के लिए भी। लेकिन अब यार अटकी है हमारी, आ गए यहाँ पे इतनी दूर तो सोचा कि भरवा के ही जाते हैं यार, अब कौन बार बार आता है, तो यही वाली भरवा लेते हैं। लोकल भी मिल रही है, मोटी भी मिल रही है, क्या करें, वैसे सर्दी ख़त्म हो गई थी पूरी, बच्चों ने लूट लूट के सब ख़त्म कर दी, तो जल्दी से भरवाते हैं फिर घर चल के आपको दिखाते हैं। तो पूरा हो चुका है ये ख़त्म। और एंड में एक बात बता रहा हूँ, ये आप भाई टाइट से पकड़ लेना, अगर आप टाइट से नहीं पकड़ोगे ना तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये देखो ये ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है, तो भाई के चोट लग जाएगी जो भी भर रहा होगा, तो एंड में टाइट से पकड़ लेना या भाई से कह देना कि थोड़ी स्पीड हल्की कर दो। तो सर्दी हमारी भर चुकी है, ये देखो एक दो साठे भी हैं, चलो हम सही कर लेंगे। पतंगे देख सकते हैं, पतंगे हमने कुछ छाट ली, ज़्यादा नहीं, इधर 30 पतंगे लेकर जा रहा हूँ मैं अभी, और सब मंजूली पतंगे 30 की 30 ही है, और जल्दी जाके लड़ाएंगे, दिखाएंगे आपको। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।